क्वेश्चन नंबर 3 e raised to power ax sine of bx plus c, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो भी आप लोगों ने खुद ही कोशिश करनी है सॉल्व करने की, और अगर नहीं हुआ तो भी मैं कर दूंगा। अब देखिए मैं कहता हूँ लेट, अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर दें, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं e रेज टू पावर ए एक्स, अब इसका फर्दर डेरिवेटिव a आ जाएगा, ठीक है। अब e रेज टू पावर ए एक्स और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स का जो है मेरे पास ए आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ये u डॉट p प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ किया हमने, प्रोडक्ट फार्मूला साइन बी एक्स प्लस सी, अब ये फर्स्ट वैसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव साइन है तो ये कॉज आ जाएगा बी एक्स प्लस सी और फर्दर डेरिवेटिव इसका डॉट b आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से एक चीज़ जो कॉमन आ रही है वो है e रेज टू पावर ए एक्स, इधर आ गया मेरे पास a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉज बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे मैं सपोजिशन करने जा रहा हूँ, सपोज अब यहाँ पे हमने a को लेट कर लिया है r कॉज थीटा और b को r साइन थीटा, ये किस लिए किया गया है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये ऐसे ही चलता चलता ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ इसको सिर्फ एक ही या साइन में या कॉज में कन्वर्ट कर लूँ, इधर भी साइन एक एक ही साइन हो उसके बाद आगे कोई वैल्यू हो। असल में अगर ये साइन कॉज आते हैं तो असल में ये रोटेशन को शो करते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर रोटेशन हो सकती है, पाई बाई टू हो सकता है। इधर हम इस तरह का फार्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे वन लगाएं तो वन रोटेशन, टू लगाएं तो टू रोटेशन, थ्री लगाएं तो थ्री रोटेशन। तो यहाँ पे अगर पुट करें e रेज टू पावर ए एक्स, ए की वैल्यू हम r cos थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस r साइन थीटा cos बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से एक और चीज़ और कॉमन आ रही है जो कि हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू हम इधर से निकालेंगे, यहाँ से साइन बी एक्स प्लस सी cos थीटा प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी साइन ऑफ थीटा। अब ये मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ साइन अल्फा प्लस थीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं, अब देखिएगा अगर मैं इसका स्केयर कर दूं ए स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, इसी तरह बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, स्केयरिंग के बाद अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये हमारे पास वन है, तो ये आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि हमें r की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो r इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव अभी इसका फाइंड किया है तो इधर r वन आया, r रेज पावर वन है, ठीक है, और इसके साथ फर्स्ट रोटेशन है और ये इसके कोफिशियंट जो है थीटा का वो वन है। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो डेफिनेटली आर की वैल्यू आर की पावर टू हो जाएगी और थीटा के साथ उसका कोफिशियंट जो है उसकी रोटेशन जो है टू हो जाएगी,
इसी तरह 3 फाइंड करेंगे, अगर मैं इधर लिखता हूँ, अब इसी का y फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने निकाला है e रेज टू पावर ax साइन ऑफ bx प्लस c प्लस थीटा, अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये 2 e रेज टू पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 2 थीटा। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालें r3 e रेज टू पावर ax साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा, इसी तरह चलते जाएं तो y का nth डेरिवेटिव r रेज टू पावर n e रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस n थीटा। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो कि हमने निकाली है ये लिखी हुई है, सॉरी r की वैल्यू जो कि हमने निकाली है वो इधर पुट कर देते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट और होल रेज टू पावर n e रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सॉरी सी प्लस एन थीटा। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो भी रिक्वायर्ड है। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखिएगा इसको और इसको डिवाइड कर दें। अब देखिएगा ज़रा, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमारी सपोजिशन है। ये बात कंफर्म है कि जो भी चीज़ हम सपोज करते हैं उसकी वैल्यू हमने वापस उसको देना ही होती है। तो ए बी ओवर ए इज इक्वल टू, ये बी आर साइन थीटा के इक्वल है और ए आर कॉस थीटा के इक्वल है, ये आर आर से कट जाएगा, साइन ओवर कॉस टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, ये मैं इधर पुट कर देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर अंडर रूट एन ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बी ओवर ए, ये हमारे पास आ गया।